सो हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 5000 रुपीस। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी क्योंकि बताने को तो मैं आपको बहुत सारी वॉचेस बता दूं, बट सारी इतनी अच्छी वॉच नहीं होती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम परफेक्ट स्मार्ट वॉच जो कि आपके 5000 रुपए डिजर्व करती हूं। और मुझे भी कोई स्मार्ट वॉच बाय करना होता तो इन्हीं में से किसी एक को अपने 5000 रुपए देता। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत ओल्ड वॉचेस मिल जाएंगी और कुछ न्यू वॉचेस भी। और इस लिस्ट में जो भी वॉच होने वाली है उनमें आपको एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी एंड साथ में कॉलिंग फीचर भी होगा और डुअल इनबिल्ट जीपीएस मिल जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अपने लिए परफेक्ट वॉच चूज कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वॉच जो है वो आती है डीजो की तरफ से, डीजो वॉच आर। एंड बात करूँ इसके बिल्ड एंड डिजाइन की तो इसका डिजाइन देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट राउंडल शेप में वॉच देखने को मिलती है। और जो बिल्ड क्वालिटी है वॉच की वो भी काफी अच्छी है। बाकी बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड टॉप पर इसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास भी दे रखा है। एंड जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 360x360 पिक्सल का है और जो डिस्प्ले वो काफी शार्प है और कलर्स भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। एंड इसके अलावा 550 इंच की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है, बाहर सनलाइट में यूज करोगे तभी विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में यहाँ पर आपको रेस्ट वाइज गेस्चर का भी फीचर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड नेक्स्ट बात करूँ सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको HR सेंसर, SPO2 एंड पेडोमीटर सेंसर मिल जाता है और जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी काफी अच्छी है। बाकी बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, फेमस साइकिल ट्रैकिंग, 110 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और इसके अलावा अदर फीचर्स की बात हो तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। और साथ में इसमें आपको 150 प्लस वॉच फेस मिल जाती है और इवन आप कस्टम वॉचेस भी ला सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करूँ नोटिफिकेशन की तो जो भी मैसेज आपके फोन पे आएंगे उसे आप वॉच पर रीड कर पाओगे बट रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और साथ में इसमें आपको 5 ATM तक की वाटर रेटिंग मिल जाती है, तो वॉच के पहन के 50 मीटर तक की गहराई में जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात करूँ बैटरी की तो इसमें आपको 280mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको नॉर्मल यूज पर 10 डेज का बैटरी बैकअप दे देगी। और ज्यादा हैवी यूज करोगे तो इसमें आपको 6-7 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो देखा जाए तो 3800 में काफी अच्छी वॉच है। बाकी इसके अल्टरनेटिव में एक और वॉच रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है पेबल कॉस्मो लक्स। एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ सिमिलर ही मिल जाता है, बस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में कॉलिंग का फीचर मिलता है। तो जिसको भी राउंडल वाली वॉच पसंद है उसके लिए दोनों बेस्ट ऑप्शन है। तो अब चलते नंबर 2 पे, वो आते रियलमी की तरफ से रियलमी स्मार्ट वॉच 2 प्रो। और सबसे अच्छी बात इस वॉच में ये है कि यहाँ पर आपको डुअल सैटेलाइट जीपीएस मिल जाता है, तो रनिंग या वॉकिंग करोगे तो जो एक्यूरेसी है आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। बाकी बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.75 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है और टॉप पर इसमें आपको 2.5D कर्व गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दे रखी है। एंड जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 320x385 पिक्सल का है। एंड जो डिस्प्ले क्वालिटी वो भी काफी अच्छी है। और साथ में यहाँ पर आपको 600 Hz की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो डिस्प्ले एकदम ब्राइट है, बाहर सनलाइट में यूज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको रेस्ट वेक गेस्चर का फीचर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। और नेक्स्ट बात करूँ सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको HR सेंसर, SPO2 एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाता है और सेंसर्स की एक्यूरेसी वो भी काफी अच्छी है। बाकी बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको स्लिप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग एंड 90+ स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। और इसके अलावा अदर फीचर्स की बात हो तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। एंड साथ में इसमें आपको 100+ वॉच फेस मिल जाती है और इसमें आपको लाइव वॉच फेस भी दे रखे हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपको कस्टम वॉचेस भी लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। और नेक्स्ट बात करूँ नोटिफिकेशन की तो सभी तरह के नोटिफिकेशन आप वॉच पर रिसीव कर पाओगे बट रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड साथ में इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो वॉच पहन के आप बारिश वगैरह में यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी बात करूँ बैटरी की तो इसमें आपको 390mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि एक बार चार्ज करने 14 डेज का बैटरी बैकअप दे देगी। और ज्यादा GPS यूज करोगे तो इसमें आपको 7-8 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो अगर आप अपने लिए GPS वॉच ढूंढ रहे थे तो ये एकदम परफेक्ट वॉच है 5000 के अंदर। तो अब चलते नंबर 3 पे, वो आती रेडमी की तरफ से रेडमी वॉच 2 लाइट। एंड ये वॉच रेडमी की तरफ से आने वाली काफी अच्छी वॉच है और इस वॉच में भी आपको इनबिल्ट GPS मिल जाता है। एंड ये वॉच अपने आप ही डिटेक्ट कर लेती है जब आप रनिंग या वॉकिंग करोगे, तो आपको बार बार स्पोर्ट्स मोड में जाना नहीं पड़ेगा रनिंग वॉकिंग फीचर को ऑन करने के लिए। बाकी बात करूँ उसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.55 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है एंड डिस्प्ले काफी स्मूथ है और शार्प है, कलर्स वगैरह भी अच्छे निकल के आते हैं, तो ऑलमोस्ट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है इस वॉच के अंदर। और टॉप पर इसमें भी आपको 2.5D कर्व ग्लास दे रखा है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है, बाहर सनलाइट में यूज करोगे तब भी डिस्प्ले आराम से विजिबल हो जाएगी। एंड साथ में यहाँ पर आपको रेस्ट वेक गेस्चर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। और नेक्स्ट बात करूँ सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको HR सेंसर, SPO2 एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाता है एंड जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी बात करूँ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको स्लिप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, फेमस साइकिल ट्रैकिंग, 110 स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। और इसके अलावा अदर फीचर्स की बात हो तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। एंड साथ में यहाँ पर आपको 120+ वॉच फेस मिल जाती है और चाहे तो आप कस्टम वॉचेस भी ला सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करूँ नोटिफिकेशन की तो सारे मैसेज आप वॉच पे देख पाओगे बट रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और साथ में यहाँ पर आपको 5 ATM तक की वाटर टैंक मिल जाती है, तो वॉच के पहन के आप शॉवर में नहाओ या स्विमिंग पूल में छलांग मारो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड वहीं बात करूँ बैटरी की तो यहाँ पर आपको 262mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको नॉर्मल यूज पर 10 डेज का बैटरी बैकअप दे देगी। और ज्यादा GPS यूज करोगे तो इसमें आपको 5-6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बाकी बात करूँ प्राइस की तो आपको 5000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो अब चलते नंबर 4 पे, वो आती है क्रॉसबिट की तरफ से, क्रॉसबिट इग्नाइट S4 मैक्स। एंड ये वॉच अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है और ये जो वॉच है पूरी एप्पल वॉच सीरीज 7 की कॉपी है। एंड जो बॉडी
डीजो वॉच की आपको पूरी मेटालिक बॉडी मिलती है और जो स्ट्रैप्स है यहाँ पर आपको 44 mm का सिलिकॉन के स्ट्रैप्स मिलते हैं एंड स्ट्रैप्स की क्वालिटी अच्छी है एंड स्ट्रैप्स को आप चेंज भी कर सकते हो। बाकी बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.9 इंच की अल्ट्रा एचडी रेटिना डिस्प्ले मिलती है, तो डिस्प्ले काफी बड़ी है एंड जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 320x385 पिक्सल का मिलता है और साइड से डिस्प्ले आपको 3D कर्व देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है और साथ में यहाँ पर आपको 600 की बैटरी मिल जाती है, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है, बाहर सलाइड में यूज करोगे तब भी डिस्प्ले आराम से विजिबल हो जाएगी एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड रेस्ट हुए गेस्चर मिल जाता है। और नेक्स्ट बात हूँ सेंसर्स की तो यहाँ पर आपको अच्छा सेंसर SPO2 ब्लड प्रेशर एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाता है एंड जो सेंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी बात फिर फीचर्स की तो यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग, ब्रीदिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड मल्टीपल सपोर्ट मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है एंड जो क्वालिटी है माइक्रोफोन स्पीकर की वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। एंड इसके अलावा अदर फीचर्स की बात हो तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर जैसे बेसिक फीचर मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पर आपको 500 प्लस ज्यादा वॉचेस मिल जाती है और चाहे तो आप कस्टम वॉचेस भी ला सकते हो। एंड नेक्स्ट बात वाटर प्रूफ की तो इसमें आपको 3 mm तक की वाटर रेटिंग मिल जाती है, तो वॉच पहन के बारिश में ना हो सिंपल में छलांग मारो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी बात नोटिफिकेशन की तो सभी तरह के मैसेज आप वॉच पर रिसीव कर पाओगे बट रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसके अलावा बात बैटरी की तो यहाँ पर आपको नॉर्मल 15 days का बैटरी बैकअप मिल जाता है और ज्यादा कॉलिंग फीचर यूज करोगे तो इसमें आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग मिल जाती है एंड वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दे रखा है, तो ये एप्पल वॉच सीरीज 7 के डिजाइन में एकदम तगड़ी वॉच है। एंड इसके अलावा बात प्राइस की तो आपको 5,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। बाकी यार मैं एक और वॉच रेकमेंड करना चाहूंगा और वो भी आती है क्रॉसबिट की तरफ से, क्रॉसबिट इग्नाइट एटलस एंड इस वॉच में भी आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सेम फीचर मिल जाते हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो कॉलिंग फीचर और GPS दोनों एक ही वॉच में मिल जाते हैं, तो दोनों वॉच काफी अच्छी है, जो भी आपको वॉच पसंद है उसे आप बाय कर सकते हो। बाकी बात करूँ इस वॉच की प्राइस की तो आपको 4,000 की मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। तो गाइस ये थी टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस जिन्हें आप आग बंद परचेज कर सकते हो। बाकी यार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना एंड हो सके तो इस मंथ के एंड तक प्लीज 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, तो प्लीज यार कंटेंट अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यार मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।